आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस डिश, मेथी बेसन। आप इसे मेरा कंफर्ट फूड भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये डिश को हम राइस के साथ सर्व करेंगे, इसीलिए हम बनाएंगे इसको करी फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए हम बेसन को 5 से 7 मिनट तक पैन में रोस्ट कर लेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि वो जल ना जाए। 5 मिनट के बाद जब इसमें हल्की हल्की अरोमानी स्टार्ट हो जाएगी तब इसको हम फ्लेम से रिमूव करेंगे और एक बाउल में निकाल के साइड पे रख देंगे। गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को हम चॉपर में फाइनली चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो तीनों की पेस्ट भी बना सकते हैं। अब एक पैन में हम तेल मिलाएंगे, उसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चॉप किया हुआ चिली, जिंजर एंड गार्लिक। उसको हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस उसका सब कच्चापन चला जाए उतना रोस्ट करना है। उसके अंदर हम करी लीव्स ऐड करेंगे और प्याज मिलाएंगे। प्याज को भी सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाने तक भूनना है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इसके अंदर अब ऐड करेंगे टमाटोज। टमाटर को हम सिर्फ हल्का सा भूनेंगे और ऐड करेंगे हमारे मसाले। ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, लेकिन अगर आप इसमें रेड चिली पाउडर या फिर गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी के पत्ते। मेथी के पत्तों को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमारी जो मेथी है वो पूरी श्रिंक हो गई है और मिक्सर के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे हमारा रोस्ट किया हुआ बेसन। ध्यान रहे बेसन को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बेसन को पहले ही हमने पका लिया है, सेक लिया है, तो अभी और सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों को सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि इसमें तेल कम है तो आप इसमें थोड़ा तेल मिला सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और जो बेसन को है उसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हम बेसन को राइस के साथ सर्व कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें पानी कम मिलाएं। टोटल 5 से 6 कप जितना पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। मेथी बेसन को हम धीमी आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि हमें जो कंसिस्टेंसी में मेथी बेसन चाहिए वैसे मिल गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा पानी और भी मिला सकते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, ग्रीन गार्लिक एंड कोरिएंडर लीव्स। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हो गया हमारा रेडी मेथी बेसन विथ राइस। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी में आप ये मील ऐड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताइए ये कैसी बनी, आपको कैसा लगा।